खबर देहरादून से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है। देहरादून के सहसपुर में पेड़ पर गिरी है आकाशीय बिजली और पास में ही खड़े दो लोगों के ऊपर ही बिजली गिर गई। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों ही लोगों की मौत हो गई है। देहरादून के सहसपुर में आकाशीय बिजली जो एक पेड़ पर जा गिरी, पेड़ के पास ही दरअसल दो लोग खड़े हुए थे जिनके ऊपर भी ये आकाशीय बिजली गिरी और अस्पताल ले जाया गया दोनों ही शख्सों को, लेकिन अस्पताल ले जाने के वक्त ही दोनों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली का कहर दो लोगों पर पड़ता हुआ, पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी लेकिन इसी बीच दो लोगों की मौत हो गई। दरअसल कल से ही उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वो सही नहीं है और ऐसे में अब आकाशीय बिजली की खबरें भी इस बीच आ रही हैं। और नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नवीन, अब माने कि जो मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है उसके चलते ही इस तरह के हादसे आए दिन सामने आते रहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा ऋतु आपने। राजधानी में भी मौसम, जैसे कि हमने अपडेट दिया था कुछ देर पहले कि मौसम उत्तराखंड में पूरी तरीके से चेंज हो गया है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। ऐसे में जो है आकाशीय बिजली गिरी है जो देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में गिरी है, जहां पे बताया जाता है कि पेड़ पे बिजली गिरी है। चार दोस्त वहां पे आपस में बात कर रहे थे, बीती रात को अचानक पेड़ पे बिजली गिरी और गिरने के बाद से वो चारों दोस्त झुलस गए। झुलसने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ पे दो की मौत हो गई है। और ये क्योंकि मौसम बदलने के साथ ही अब बर्फबारी से और आकाशीय बिजली गिरने से इस तरीके की दिक्कतें अब इस पहाड़ पे देखने को आने वाले समय में और मिलेंगी। चलिए, धन्यवाद आपका नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इस तरह की जो खबरें हैं वो आने वाले वक्त में आएंगी क्योंकि मौसम का मिजाज बदल लिया है, ठंड ने दस्तक दे दी है और ऐसे में लगातार पहाड़ों से इस तरह की खबरें, आकाशीय बिजली की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है।